हेलो व्यूवर्स मेरा आज का वीडियो लेक्चर सीरीज़ सीलोम के बारे में है प्रीवियस लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम होल एनिमल किंगडम को डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा में डिवाइड करते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा को कैसे हम ब्रॉडर कैटेगरी से स्पेसिफ़िक कैटेगरी तक अरेंज करते हैं हमने उसका हरची का एक जो है क्रम देखा कि कैसे हम एक निश्चित क्रम में उसको अरेंज करेंगे उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टैक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए कौन कौन से अप्रोच जो है होते हैं वो चाहे आपका मोलिकुलर अप्रोच हो या इवोल्यूशनरी अप्रोच हो उसके बाद एनिमल्स की स्टडी करने के लिए हम लोग एनिमल्स में प्रेजेंट करेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स की स्टडी करते हैं तो इस करेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स में जो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक फीचर आता है दैट इज़ बॉडी प्लान बॉडी प्लान का मतलब होता है कि एनिमल ये अगर हम सपोज ये कोई एनिमल है और हम इस एनिमल के इस एनिमल को के बीच से कोई इमेजनरी एक्सेस को इमेजिन करें या इमेजनरी एक्सेस पास करें तो एनिमल के चारों तरफ जो उसके ऑर्गन प्रेजेंट हैं और होल एनिमल टू इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये एनिमल सिमेट्रिकल है और अगर कोई एनिमल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये एनिमल ए सीमेट्रिकल है नाउ अगर एनिमल मोर देन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और हम सेंटर एक्सिस को कहीं से भी पास करें और एनिमल मोर देन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो हम लोग इसे रेडियल सिमेट्री बोलते हैं और अगर केवल लेटरली जो है इमेजनरी एक्सेस पास करने पर एनिमल टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है तो इसे हम लोग लेटरल सिमिट्री बोलते हैं अब हम नेक्स्ट फीचर्स हमने पढ़ा कि जर्म लेयर की प्रेजेंस और अपसेंस के बारे में तो अगर टू जर्म लेयर इंडोडर्म और एक्टोडर्म प्रेजेंट है तो एनिमल डिप्लोब्लास्टिक कहलाता है और मोर देन टू जर्म लेयर अगर प्रेजेंट है तो एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है जिससे एक्टोडर्म से बॉडी वॉल का फॉर्मेशन होता है और इंडोडर्म से इनर बॉडी वॉल का फॉर्मेशन होता है और इन दोनों के बीच में मीज़ोडर्म पाई जाती है जैसे जैसे हम हायर ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि एनिमल के पास ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा तो सपोज़ ये कोई एनिमल है और ये इसका एक ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल है तो एलिमेंट्री कैनाल से बॉडी वॉल के बीच जो स्पेस जिसको मीज़ोडर्म पूरी तरह से कवर करता है या कवर नहीं करता है उस स्पेस के आधार पर हम देखेंगे कि हमारा सिलोम कैसा होता है तो सबसे पहले हम जानते आइए जानते हैं कि सीलोम क्या होता है तो सपोज़ ये कोई एनिमल है और ये इसका बॉडी वॉल है तो एनिमल के एलिमेंट्री कैनाल से बॉडी वॉल के बीच की दूरी को बॉडी वॉल के बीच की दूरी को हम सीलोम बोलते हैं तो द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज़ कार्ड सीलोम एंड दिस कैविटी ये दिस कैविटी इज़ फिल्ड विथ फ्लूड uh, फ्लूड uh, ये कैविटी जो है वो फ्लूड से भरी होती है जिसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन जो है होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन हमारे हमारा हार्ट किडनी इसके अंदर इस स्पेस के अंदर जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं धसे हुए रहते हैं और बॉडी वॉल से तब वो थोड़ा सा सेपरेट रहते हैं दूरी बना के रखते हैं सीलोम में जो है वो धसे होते हैं अब हम आगे देखेंगे कि ये सिलोम यानी इस बॉडी कैविटी को अगर मीज़ोडर्म जो है कवर नहीं करेगा तो ए सिलोमेट हो जाएंगे मींस अगर कोई भी बॉड स्पेस नहीं पाया जाएगा तो वो ए सिलोमेट हो जाएगा तो तो अगर सिलोम है स्पेस है बट मीज़ोडर्म ने कवर नहीं किया है तो वो सीडोसिलोम हो जाएगा और अगर स्पेस है और दोनों तरफ से स्पेस को इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी मीज़ोडर्म ने कवर किया है तो हम लोग उसे ट्रो सिलोम बोलेंगे तो आइए हम लोग सीलोम की पोजीशन और सीलोम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं इस फिगर में हम देखेंगे देखिए ये एक जो है हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया हुआ है एनिमल का तो ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है एंड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू दिस बॉडी वॉल ये जो स्पेस है दिस स्पेस इज कॉल्ड सीलोम और इस स्पेस में हमारे जो बॉडी के ऑर्गन हैं वो ब्लड वेसल हो नेफ्रिक ट्रिब्यूल हो या हमारा जो है वो नर्व कॉर्ड हो वो देखिए किस तरीके से चारों तरफ इस बॉडी कैविटी में अरेंज है तो इस बॉडी कैविटी में अरेंज है और बॉडी कैविटी का जो कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड वेसल्स हैं वो सब भी यहाँ पे जो है अपना अरेंज रहते हैं तो इस स्पेस में ये सारी चीज़ें जो है हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो है सस्पेंडेड रहते हैं और हमारा जो इस बॉडी बॉल को आइए देखते हैं हम कैसे अब मीज़ोडर्म कवर करेगा तो पहले हम उससे पहले देखेंगे कि इसके एडवांटेज क्या हैं तो देयर आर सम एडवांटेज ऑफ दिस कैविटी प्रोवाइड द स्पेस फॉर डेवलपमेंट ऑर्गन डेवलपमेंट ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करना सरफेस एरिया प्रोवाइड करना जिससे हम uh, विभिन्न प्रकार का गैसों का uh, जो है एक्सचेंज डिफ्यूज़न अच्छी तरह से हो सके एंड एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन तो ये जो सीलोम है हमारा ये जो स्पेस है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह वर्क करता है तो आइए इसको समझने के लिए हम एक जनरल एग्ज़ाम्पल लेते हैं सपोज़ ये कोई हाईवे है और हाईवे पे आप जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े ट्रक ये फ्लाई ओवर है बहुत बड़े बड़े ट्रक हैं या बहुत सारी चीज़ें फ़्लाई ओवर से पास करती हैं और वो फ्लाई ओवर पर जो है प्रेशर एग्जर्ट करती हैं तो इस प्रेशर से बचने के लिए फ़्लाई ओवर टूट ना जाए फ्लाई ओवर के प्रेशर को कम करने के लिए अक्सर जो है फ़्लाई ओवर के बगल में जो है वो नालियाँ पानी से भरी जो है नालियाँ या कैनाल जो है पास की जाती है वो कवर्ड भी हो सकती है और खुली हुई भी हो सकती है ये जो है डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ये जो है इस तरीके से तो वाटर क्या करता है वाटर उस प्रेशर को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसी तरीके से सेम एज़ हमारी बॉडी के में जो ये बॉडी स्पेस है और बॉडी एलिमेंट्री कैनाल से जो ये बाहर बाहर बॉडी वॉल तक का जो स्पेस है इस स्पेस में जो ये फ्लूड भरा रहेगा तो ये फ्लूड हम आ, हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन पे लगने वाले प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है इसीलिए हम लोग इसे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बोलते हैं एंड द प्रोवाइड स् इस्पेस फॉर इलिमिनेटिंग वेस्ट एंड रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी एंड ऑल्सो इनक्रीज द बॉडी साइज और हमारे बॉडी के साइज़ को भी ये इंक्रीज करता है नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि एनिमल ट्रिप्लो ब्लास्टिक है बट कोई भी इंटरनल स्पेस उसकी बॉडी में नहीं है तो ऐसे पैटर्न को हम लोग ए सिलोमेट पैटर्न बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हुज मीज़ोडर्मल डेराइब्ड टिशू अब पूरा टिश्यू तो मीज़ोडर्म से ही डिराइव्ड हो रहा है तीनों लेयर पाई जा रही हैं एक्टोडर्म इंडोडर्म एंड मीज़ोडर्म और टिश्यू भी मीज़ोडर्म से ही डिराइव्ड हो रहा है बट ये एक सॉलिड मास बना रहा है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म ये एक्टोडर्म है ब्लैक ये वाला ये दिस वन इज एक्टोडर्म और ये बीच में जो है हमारा रेड कलर से इंडोडर्म है इन दोनों के बीच में ग्रीन कलर से ये मीज़ोडर्म प्रेजेंट है बट ये डराइव्ड टिश्यू एक सॉलिड मास बना रहा है एंड दिस सॉलिड मास इज टर्म्ड एज़ ए और ये जो सॉलिड मास है द सेल बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ऑफ ए सिलोमेट एनिमल आर लूजली पैक्ड अब इसके अंदर जो सेल्स पाई जाएंगी वो लूजली पैक होंगी एंड दिस लूजली पैक सेल आर कॉल्ड पैरन काइमल सेल इस सेल को हम लोग पैरन काइमल सेल बोलते हैं एंड पैरन काइमल सेल आर नॉट स्पेसिफिक फॉर एनी फंक्शन किसी फंक्शन को करने के लिए पेरन काइमल सेल स्पेसिफिक नहीं होती हैं तो इस तरीके के जो है बॉडी सिलोम को हम लोग ए मतलब यहाँ पे कोई स्पेस तो है नहीं जो स्पेस होना चाहिए था उसको पूरी तरीके से सॉलिड मास ने पूरी तरीके से मीज़ोडर्म के सॉलिड मास ने स्पेस को कवर कर लिया है तो इस तरीके के बॉडी पैटर्न को हम लोग ए सिलोमेड ट्रिप्लो ए पैटर्न बोलते हैं ये हमारे फ्लैट वर्म्स में पाया जाता है जो है हमारा प्लेटी हेलमेंथीज की जब हम स्टडी कर करते हैं या करेंगे तो हम लोग इस पैटर्न को वहाँ पर देखेंगे उन एनिमल्स में ये पाया जाता है द नेक्स्ट इज़ सीडो पैटर्न तो सीडो सीडो वर्ड का मतलब होता है झूठा फॉल्स फॉल्स झूठी तो झूठी कैविटी क्यों अब यहाँ पे आप देखेंगे कैविटी तो पाई जाएगी बट कैविटी केवल एक्सटर्नली जो है मीज़ोडर्म से कवर है बट इंटरनली मीज़ोडर्म से कवर नहीं है जबकि ट्रू सिलोम होने के लिए और पूरी तरीके से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं और वहाँ पे जो टिश्यू डिराइव्ड होंगे पूरी तरीके से उसको सपोर्ट करने के लिए उसमें सस्पेंड करने के लिए जो है वो जो आपका ये मस्कुलेचर है कनेक्टिव टिश्यू दोनों तरफ से जो है मीजोडर्म की लेयर का होना जरूरी है अब दोनों तरफ से जब मीज़ोडर्म की लेयर होगी तभी हम उसको ट्रू ट्रूसिलोम बोलेंगे उस स्पेस को हम लोग ट्रू सिलोम बोलेंगे नहीं तो उसको हम लोग सीडोसिलोम की कैटेगरी में रखेंगे तो सीडोसिलोम इज़ अ बॉडी कैविटी नॉट इंटायरली लाइन्ड बाय मीज़ोडर्म पूरी तरह से जो है मीज़ोडर्म से लाइन्ड नहीं है एंड नो मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू आर एसोसिएटेड विद द गट ट्रैक कोई भी हमारा मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू गट के साथ एसोसिएटेड नहीं है मजबूती प्रोवाइड करने के लिए एसोसिएटेड नहीं है नो मीज़ोडर्मल शीट कोई भी मीजोडर्मल की शीट अंदर से बॉडी वॉल को कवर नहीं कर रही है एंड नो मेम्ब्रेन सस्पेंडेड ऑर्गन कोई भी मेम्ब्रेन सस्पेंडेड ऑर्गन बॉडी कैविटी के अंदर नहीं है तो सिंपल ये आपका जो है एक्टोडर्म हो गया दिस वन ग्रीन वाला आपका मीज़ोडर्म हो गया एंड आप देख रहे हैं येलो कलर से सीडो सीलोम यहाँ पे बना हुआ है स्पेस है बट सिर्फ ये स्पेस बिल्कुल खाली है और अंदर में हमारा इंडोडर्म है अगर इस स्पेस के बाहर ग्रीन कलर से तो हमारा मीज़ोडर्म पाया जा रहा है अगर अंदर से भी मीज़ोडर्म होता तब हम इसको ट्रूसिलोम बोलते तब हम कहते कि हमारा जो मीज़ोडर्मल शीट है उसने हमारे इंटरनल ऑर्गन इंटरनल बॉडी वॉल को कवर कर रखा है जिसके अंतर्गत हमारे ऑर्गन बिल्कुल सुरक्षित हैं उनको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो रही है तो इट इज़ कॉल्ड सीडो झूठी देह गुहा भी हम लोग इसे हिंदी में कहते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए और ये राउंड वर्म्स में हमारा पाया जाता है द नेक्स्ट पैटर्न इज़ सिलोमेट पैटर्न ट्रू सिलोमेड पैटर्न द अ सिलोम इज अ बॉडी कैविटी कम्प्लीटली देखिए यहाँ पर है कम्प्लीटली सराउंडेड बाई मिजोडर्म अब हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी कैविटी बन रही है द स्पेस बिटवीन गट टू एलिमेंट्री कैना सॉरी गट टू बॉडी वॉल या एलिमेंट्री कैनाल टू बॉडी वॉल इस कार्ल्ड सीलोम और इस कैिटी को कम्प्लीटली दोनों तरफ से मीज़ोडर्म ने कवर किया है अ थि मीज़ोडर्मल शीट इस कार्ल्ड में जो है एक थिन uh, जो मीज़ोडर्मल की शीट है जिसने इनर वॉल को कवर किया है उसको हम लोग पेरीटोनियम बोलते हैं ये देखिए अब हम देखेंगे ये अगेन हमारा एक्ट्रोडर्म ब्लू कलर से एंड ग्रीन कलर से हमारा मीज़ोडर्म तो आप देख रहे हैं ये ये अंदर ये दिस वन ये दिस 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 ग्रीन कलर जो अंदर की तरफ है ये ग्रीन ये ग्रीन हमारा पेरिटोनियम कहलाता है अंदर की कवरिंग अंदर की कवरिंग जो और बाहर की कवरिंग को हम लोग सिरोसा बोलते हैं दिस दिस सिरोसा तो जो पेरीटोनीयम है वो सीरोसा के साथ बिल्कुल जो है कंटिन्यूसली बना हुआ है एंड विच लाइन्स द आउट साइड ऑफ विस्तरल ऑर्गन्स अब देख रहे हैं आप ये अंदर की तरफ ये ग्रीन लाइनिंग हम लोग दोबारा से इसको देखेंगे सपोज़ ये हमारा बॉडी स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड ट्रू सिलोम इसी बॉडी स्पेस में हमारे ऑर्गन पाए जा रहे हैं जो मैंने रेड कलर से अभी ड्रॉ किए ये ऑर्गन अब ये ऑर्गन कम्प्लीटली दोनों तरफ से जो है आ, आ, मीजोडर्मल सीट से घिरे हैं बाहर से भी और इंटरनली भी तो इंटरनली इस सीट को हम लोग पेरिटोनियम बोलते हैं और एक्सटर्नली इस सीट को हम लोग सिरोसा बोलते हैं ठीक है और जो भी हमारे ऑर्गन्स के ऊपर कवरिंग पाई जाती है तब हम लोग उसे मिजेंट्रीज़ बोलेंगे जो फर्दर अभी आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे तो इसे हम लोग यू सिलोमेट पैटर्न भी बोलते हैं ये यू पैटर्न फ्रॉम एनी टू कॉर्डेटा तक जो है हायर एनिमल्स तक पाया जाता है अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे जब भी इम्ब्रियोलॉजी में क्लीवेज के आधार पर कैसे हम प्रोटोस्टोम और एनिमल्स uh, को दो ग्रुप में डिवाइड uh, कर देते हैं प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटरोस्टोमिया तो हम वहाँ पे देखेंगे कि कैसे प्रोटोस्टोमिया uh, के पास uh, कौन सा सिलोमिक पैटर्न होगा दोनों जगह ट्रू सिलोम ही होगा बट सिलोम की ओरिजिन पर अब जो है हमारा प्रोटोइ्टोम uh, जो है डिसाइड होता है और सिलोम की ओरिजिन पर ही हमारा ड्यूटरो स्टोम जो है डिसाइड होता है तो द नेक्स्ट स्लाइड इज इस, तो इसमें हम देखेंगे प्रोटोस्टोम्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे देन ड्यूट्रोस्टोम के बारे में तो प्रोटोस्टोम अब यहाँ पे जो क्लीवेज हो रहा है हमारा ये क्लीवेज है स्पायरल एंड डिटर्मिनेट तो थोड़ा सर समझ लेंगे हम लोग ऐसे एनिमल जो जिनमें स्पायरल क्लीवेज होता है स्पायरल क्लीवेज का मतलब जब भी कोई क्लीवेज क्लीवेज यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल का डिवीज़न होगा डा में उसको हम लोग क्लीवेज बोलेंगे और फर्दर उस क्लीवेज के बाद एनिमल पूरी एनिमल बॉडी का डेवलपमेंट होता है तो शुरुआत की जो फोर सेल स्टेज होती है ये फोर सेल स्टेज स्पायरली अरेंज होती है वो एक दूसरे के ऊपर इक्वली अरेंज ना हो करके कुछ इस तरीके से स्पायरली अरेंज होती जाती है तो इस तरह के जो है अरेंजमेंट को हम लोग स्पायरल अरेंजमेंट बोलते हैं जो चारों सेल होती हैं एक दूसरे के बिल्कुल जो है सरफेस पे बराबर ना होकर के एक दूसरे के ऊपर स्पायरली अरेंज होती हैं लॉन्गीट्यूटनल एक दूसरे के ऊपर अरेंज, अरेंज होकर के स्पायरल पैटर्न को शो करती हैं और ये क्लीवेज जो होता है वो डिटर्मिनेट क्लीवेज़ होता है डिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब बहुत ही अर्ली स्टेज में अगर इनकी सेल में ये डिसाइड हो जाता है कि पर्टिकुलर सेल से आइज़ बनेगी या पर्टिकुलर सेल से पर्टिकुलर ऑर्गन बनेगा और ऐसे में अगर यहाँ पे कोई सेल लॉस हो जाए तो उससे बनने वाला ऑर्गन का फॉर्मेशन फिर होगा ही नहीं तो जो हमारा प्रोटोस्टोम्स होते हैं उनमें स्पाइरल और डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है एंड इस स्पाइरल और डिटर्मिनेट क्लीवेज के बाद जब भी फॉर्मेशन होगा आर्किनट्रॉन मीन्स प्रिमिटिव ये गट का तो वहीं से ही जो है गट की आ, सेल से ही स्प्लिट होकर के सॉलिड मास से स्प्लिट होकर के मीजोडर्म की सेल जो है सीलोम का फॉर्मेशन करेंगी तो इस स्प्लिटिंग होकर के जो है सीलोम का फॉर्मेशन करना साइजो सीलस सीलोम कहलाता है फिर से सुनिएगा हमारी जो प्रिमेटिव आर्किनट्रॉन की सेल हैं आर्किनट्रॉन की सेल स्प्लिट होकर के जब भी सीलोम का फॉर्मेशन करेंगी तो इस सीलोम को हम लोग साइजोसीलस सीलोम बोलते हैं और ये सीलोम जो है वो प्रोटो प्रोटोस्टोम्स में पाया जाता है और हम देखेंगे कि जो ब्लास्टोपोर हमारा था जो है जैसे यह यहाँ पे ये सेल अरेंज हो रही हैं तो अरेंज का सेल अरेंजमेंट के बाद वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट होता है फर्दर इम्ब्रियोलॉजी में हम लोग इस टर्म को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल भी पैनिक मत होइए अभी बस अभी आप इन सब को धीरे 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 वन बाई वन लर्न करते जाइए तो इस ब्लास्टोपोर स्पेस से अगर माउथ का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे एनिमल्स को हम जो है वो प्रोटोस्टोम्स में रखते हैं प्रोटोस्टोम्स में जो है रखते हैं तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेम सारी कंडीशन ड्यूटरोस्टोम में तो नेक्स्ट साइड देखिए तो ड्यूटरोस्टोम में आपका रेडियल जो है क्लीवेज और इनडिटर्मिनेट क्लीवेस पाया जाता है रेडियल क्लीवेज का मतलब लगभग चारों सेल इक्वल साइज़ की होती हैं और एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर एक सरफेस पे अरेंज होती हैं अगर हम ऊपर से इसका व्यू देखें तो आठ सेल हमें केवल फोर सेल दिखाई देंगी। कहीं से भी कोई भी सेल आप जो है बढ़ी हुई नज़र नहीं आएंगी बिल्कुल ऐसा रख, रख, लगेगा कि जैसे एक एक स्लाइस के ऊपर दूसरा स्लाइस रख दिया गया हो एंड दिस इज़ इनडिटर्मिनेट क्लीवेज इनडिटर्मिनेट का मतलब कि मोर देन सिक्सटीन सेल के बाद भी या काफ़ी जो है दिनों तक जो फेट होता है वो डिसाइड नहीं होता है कि पर्टिकुलर सेल से कौन सा ऑर्गन बनेगा ऐसे में अगर ऑर्गन का लॉस होता है तो कोई कोई नहीं दोबारा वो ऑर्गन जो है उस ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा हो ही होगा नाउ द नेक्स्ट इज़ इसमें इंट्रोसीलस टाइप का सिलोंग पाया जाता है इंट्रोसीलस का मतलब है कि आर्किट्रॉन मीन्स गट जो प्रिमिटिव गट है उसी की गट की पाउचिंग से ही उसी गट में आप देख रहे हैं ये इस तरीके से गट गया और कुछ फूल गया कुछ उसमें से उभार कुछ पाउच टाइप का बन गया और पाउच टाइप का रेड कलर से देखिए ये पाउच बन रहा है येलो कलर से आर्किन था और यहीं पे ही पाउचिंग हो गई और दो जगह पाउचिंग हुई और वो पाउचिंग जो है पूरी तरह से फिर नीचे डाउन हुई और डाउन होने के बाद वो पाउचिंग ये रेड कलर से देखिए सिलोम बना दिया और जबकि हमने जो है प्रोटोस्ट्रोम में देखा था कि स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग हुई और फिर वो स्प्लिटिंग फैल गई येलो येलो यल, कलर के गट के चारों तरफ वो स्प्लिटिंग फैल गई तो फैलने के बाद उसने वहाँ पे साइजोसिलस सिलोम बनाया था और यहाँ पे गट की पाउचिंग से जो है वो इंटरोसिलस सिलोम बना तो इंटरोसिलस सिलोम जो है हमारा वो ड्यूटरोस्टोम हायर एनिमल्स में पाया जाता है एंड एन का डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोपोर से ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ब्लास्टोपोर से ड्यूटरोस्टोम में एन का डेवलपमेंट होता है तो हमारा इकाइनो से कॉर्डेटा तक ड्यूटरोस्टोम पाया जाता है सारे मतलब फाइलम इकाइनो से फाइलम कॉर्डेटा तक अब जब भी हम जो है कॉर्डेटा की सपोज़ कॉर्डेटा का करेक्ट्रिस्टिक फीचर लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दीज आर ड्यूटरोस्टोम्स एनिमल ठीक है और क्लीवेज और सिलोम अगर प्रेजेंट है तो सिलोम साइजो सील सिलोम तो बच्चों होप्स सो आज आ, आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा करेक्टरिस्टिक फीचर्स के इस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कॉर्डेटा के करेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स के बारे में पढ़ाएंगे स्टे ट्यून और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए थैंक यू